फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। जगतपुरी थाना क्षेत्र के साउथ अनारकली एक्सटेंशन के एक घर में हुई लाखों की चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। सोमवार की शाम शिकायतकर्ता ललित कुमार ने मीडिया को बताया कि वह अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ अपने पिता को देखने शनिवार की शाम फरीदाबाद गए थे। जब वह रविवार की शाम 7 बजे अपने घर पहुंचे, देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ है, जिसमें सामान जो उनका था वह चोरी हो गया। जो कि शिकायतकर्ता ललित कुमार ने यह भी बताया कि रविवार की सुबह 3:45 में सीसीटीवी के अंदर बाइक पर 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं, जो पुलिस ने देखा है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है, जो कि आईपीसी की धारा 380-457 के तहत। शिकायतकर्ता से हमने सोमवार की शाम बात की तो उनका क्या कहना था, सुनिए आप। मैं परसों शाम को शनिवार को अपने घर से यहाँ पे जगतपुरी से फरीदाबाद अपने पापा जिनको भी हार्ट अटैक आया उनका पता करने गया था शाम को 7 बजे। अगले दिन शाम को 7 बजे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मैं वापस आया तो मेरा घर का सारा सामान, सारा अलमारी सबको टूटा मिला। क्या क्या चोरी हुआ उसमें? उसके अंदर एक चैन लॉकेट के साथ, 2 जोड़े कानों के और 2 अंगूठी और 30-35 हज़ार रुपये नकद चोरी हुआ। टोटल कितने लग का होगा कम से कम? अंदाज़ा 3 लाख के लगभग। 3 लाख। तो इसमें जगतपुरी थाने ने मामला दर्ज किया? हाँ जी, जगतपुरी थाने मामला दर्ज किया। क्या कहना उनका अभी तक? उन्होंने बोला है कि हमें बाइक का सुबह सीसीटीवी चेक करने पर 3:45 पे उन्होंने बोला है कि बाइक पे 3 लड़के आए हैं और बाइक का नंबर हम ट्रेस कर रहे हैं और वो इंक्वायरी की लगा रहे हैं। सीसीटीवी में 3 लड़के देखे? 3 लड़के आए हैं 3:45 पे सुबह। प्रीति जी, कब पता लगा जब आपके घर में चोरी हुई है? हम कल संडे शाम को आए हैं 7 बजे, हमें तभी आकर पता लगा है कि चोरी हुई है, बट चोरी तो सुबह 4:45 भी हो गई थी। अच्छा, सीसीटीवी के अंदर तो दिख रहा है? सीसीटीवी के अंदर बाइक पर 3 लड़के आए हैं 4:45, तो पुलिस को भी उसका बाइक का नंबर भी पता चल चुका है, बट अभी तक तो कुछ ऐसा हमें पता नहीं चला है कि कोई कार्रवाई हुई है ऐसा कुछ।